मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, बेंजीन नॉन प्लेनर है, और उस नॉन प्लेनरिटी की वजह से बेंजीन बिकम्स अनस्टेबल। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ब्रेक हो रहे हैं, यानी यहां पे ये कंजुगेट नहीं करेंगे, ये यहां से कंजुगेशन हो। और ऐसे सिस्टम्स को जहां पे एक भी कार्बन या एक से ज्यादा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक सिस्टम्स। दे आर कॉल्ड एज नॉन एरोमेटिक सिस्टम्स। सो यहां पे जब ये मिश्मर कॉम्प्लेक्स अटैक पे बनता है, उस टाइम पे जो इंटरमीडिएट बनता है, जिसको इट्स अ टाइप ऑफ कार्बेनाइन, लेकिन ये कार्बेनाइन काफी अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इसको इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप स्टेबलाइज कर सकते हैं। और दूसरी बात, बेंजीन का, बेंजीन के एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है फ्रॉम sp2 टू sp3, और उसकी वजह से बेंजीन बिकम्स नॉन प्लेनर। और अगर कोई भी सिस्टम साइक्लिक है, हकल्स रूल फॉलो करता है, लेकिन उसका एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऐसे सिस्टम्स अनस्टेबल होते हैं, और इनको हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक सिस्टम्स। तो इसका मतलब यह है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक। सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में फर्क यह है कि हर कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन एक फॉलो करता है हकल्स रूल, दूसरा फॉलो नहीं करता है हकल्स रूल। लेकिन अगर कोई एक भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, फिर वो हकल्स रूल फॉलो करे या ना करे, तो उन सिस्टम्स को हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको देखेंगे तो यह काफी अनस्टेबल है मिश्मर कॉम्प्लेक्स। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, यहां पर ये जो है, आपको पता है कि ऑलरेडी Cl और OH में कौन बेटर लीविंग ग्रुप है, तो Cl इज अ बेटर लीविंग, और उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, और उसकी वजह से आपको जो है, आपको ऐसे मॉलिक्यूल मिलेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां पे OH प्लस Cl नेगेटिव निकलेगा यहां से, जो कि Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा और बनेगा जनाब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इस तरह से इसका रिप्लेसमेंट हो।